दिनाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा। शुभेच्छुक माननीय प्रकाश बापू सपकाळ, माननीय विजय काका उर्फ जॅक सपकाळ, श्री सिद्धनाथ पार्क विटा, सई पोल्ट्री फार्म विटा, वैभव पोल्ट्री फार्म विटा, तालुका खानापूर, जिल्हा सांगली। शादी होती है उसको समाज की मान्यता नहीं होती है, आप तो शादी करी हो, खुलकर सामने आ रही है, सबके सामने बता रही है, तो जो आपका सफर था वो कैसा था, भविष्य में कैसे होने वाला, और आप क्या मैसेज भी कन्वे करना चाहती है समाज को? तो अभी शादी तो हुई नहीं है, एंड दिस वाज अ रिंग कमिटमेंट सेरेमनी, और हमें मजबूरी में ऐसे कमिटमेंट रिंग सेरेमनी नाम देना पड़ा क्योंकि हम इसे एंगेजमेंट नहीं कह सकते लीगली। और हम लोग आगे भी जो सेरेमनीज़ करने वाले हैं हम उसे वेडिंग या मैरिज नहीं यूज़ कर सकते लीगैलिटीज़ के हिसाब से। तो हमारे लॉयर्स ने हमको एडवाइस किया है कि हमें इसे सिविल यूनियन बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई वो वाली बात। अभी ऐसा है कि इस यहाँ से आगे की जर्नी ऐसी है कि हमने डिसाइड किया है कि हम डेस्टिनेशन में, एक प्रॉपर डेस्टिनेशन सेटअप में सिविल यूनियन करेंगे। प्रॉपर 4 दिनों का रहेगा जिसमें सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे। अभी इस सेरेमनी में जैसे 150 to 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दोज वर ऑल ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स। अभी आगे वाले सेरेमनीज़ में रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स सभी आने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट दैट विल बी इंक्रीज, आई मीन 400-500 लोगों का सेरेमनी रहेगा, जिसमें हम लोग सारे ही फंक्शंस करेंगे हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से करेंगे, लाइक यू नो, मेहंदी, संगीत, हल्दी, उसके बाद एक प्रॉपर वेडिंग की सेरेमनी जो होती है। वैसे अभी जैसे समाज में मान्यता नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि डिक्रिमिनलाइजेशन तो हो चुका है ऑलरेडी, बट लीगलाइजेशन ऑफ मैरिजेस नहीं हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप रिचुअलिस्टिकली कर सकते हैं, भले ही आप लीगली अभी कुछ नहीं कर सकते, बट लीगली आप डेफिनेटली पेटिशन फाइल कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसके बाद PIL फाइल करेंगे, जैसे और भी काफ़ी कपल्स ने किया है इंडिया में, और जितने ज़्यादा फाइल होंगे शायद उतना ज़्यादा और लीगलाइजेशन के चांसेस है। तो वही है, लीगलाइजेशन के लिए वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, लेकिन फिलहाल के लिए वी आर कॉलिंग इट दिस। ये बताइए आपकी मुलाकात कैसे हुई, अब आपने एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप में कुछ किया है, और फ्यूचर कैसे देखती हैं सब? सामने देखिए बताइएगा। हाँ, तो इनके साथ पहली मुलाकात हुई एक कॉन्फ्रेंस में जो कोलकाता में हुई थी। इनकी मेंटल हेल्थ एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे ये स्पीकर बन के गई थी और मैं ऑडियंस में थी, तो इन्होंने बहुत कुछ बोला, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। मैंने अप्रिशिएट भी किया और मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे और भी बातें करनी है मेंटल इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने बोला कि आप तो नागपुर चले जाने वाले हो, तो मुझे कैसे मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँगी। तो इन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल मुझे दे दिया, फिर वहाँ से बातें स्टार्ट हुई, और एक हफ्ते बाद व्हाट्सएप नंबर मैंने मांग ली। वो भी एक्चुअली झूठ झूठ बोल के कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कि आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम बात करेंगे। कॉल, फिर बातें करना स्टार्ट हुई, फिर कॉल्स, फिर वहाँ से अगर प्रपोज़ल की बात हो तो मुझे एकदम से लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुई, लाइकिंग थी। तो मैंने सोचा कि इनके साथ और बहुत सारे दोस्त, मतलब मेरे दोस्त और इनके दोस्त एक ट्रिप में जाने वाले बीच में, फिर मैं वहाँ पे जाके उनको ऐसे प्रपोज करूँगी कि अगर मैं सबके सामने आपको ये बताओ कि विल यू मैरी मी करके, तो क्या आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्यों करूँगी। तो आई गॉट माई आंसर।
तो एकदम से क्या हुआ था, इनकी जो फ़ोन है ना बंद हो चुकी थी 6-7 दिनों के लिए, और आई वॉज़ वरीड कि क्या हो गया। तो वैसे ही मुझे पता चला दैट 6-7 दिन में अगर व्हेन आई फील इनकम्प्लीट, एक बात होती है ना कि आप जब किसी से रोज़ बात करते हो तो अच्छा लगता है, तो वही इनकम्प्लीटनेस फील होती थी मुझे। तो मुझे तब पता चला दैट आई रियली लव हर। फिर वहाँ से एक्चुअली प्रपोज़ल जो बीच वाली जगह पे, मतलब गोवा या मुंबई होने वाली थी, वहाँ से इतना ग्रैंड हो गया कि ये कमिटमेंट सेरेमनी बन गई। ठीक है, अभी शादी जो होगी, जिसे आप कोई दूसरा शब्द यूज़ करेंगे, तो वो कब और कहाँ होगी? हाँ, पहले तो वो शादी वर्ड यूज़ नहीं करनी प्लीज़। है। हाँ सो सिविल यूनियन वो होने वाली है 2022 एंड या 2023 बिगिनिंग। तो वो कहाँ होगी? हाँ, हम दोनों को बीचेस बहुत पसंद है, तो बीच में ही होगी। तो ललित फाउंडेशन जो है, केशव सूरी फाउंडेशन का, उनके साथ ही करना है। अच्छा, पहली मैं तो कोलकाता से हूँ, और मेरे बाबा और दीदी को 2013 से पता है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मैंने बोला बाबा को कि आई थिंक आई लाइक गर्ल्स, मुझे लड़के पसंद नहीं आते। तो बाबा, इनिशियली जो होता है इंडियन पेरेंट्स में कि हाँ ये फेज़ है शायद, तो ये तू टीनेजर है, ये फेज़ है, ये चले जाएगा, तू बस पढ़ाई कर। और फिर मैंने धीरे धीरे, जब मैं बड़ी होती गई, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गलत बात है, मुझे अभी बताना है। एकदम फटाक से मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे लड़कियाँ ही पसंद है। तो बाबा ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस, तू बस खुश रहे, और तुझे अगर कोई पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ रह जाना। अब जैसे भले ही समाज में और आप दोनों के लिए इसे शादी कहा जाएगा, लेकिन वैसे सिविल यूनियन, सिविल वो कहेंगे हम उसे, तो कितना डिफिकल्ट होगा कि साथ में रहना, क्योंकि कैसे मानते हैं सब? साथ में रहना डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, वो लोग, दैट इज़ द पीपल अराउंड आस, दे लव अस, और पूरी एक्सेप्टेंस है, और कोई हार्म भी नहीं करेगा, कोई हर्ट भी नहीं करेगा। तो वैसा देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक मिनट, ये सिविल आपकी है, तो आपने एक दूसरे के बारे में कैसे फ्यूचर के बारे में सोचा है? अच्छा, तो फ्यूचर के बारे में अगर सोचे तो पहले एक जगह ढूंढना है जहाँ पे हम दोनों रहने वाले, जहाँ पे सब ओपन माइंडेड है। ये मुंबई हो सकता है, पुणे हो सकता है, या कोलकाता, तीनों शहर बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे सेटल होना है। फिर एक घर होगा, घर में बहुत सारी चीज़ें होगी एक्चुअली, बालकनी बहुत बड़ी होगी, और एक होम थिएटर रूम होगा, एक गेमिंग सेटअप रूम होगा, क्योंकि हम दोनों बहुत गेम्स और म्यूज़िक में इन्वॉल्व है। और फिर एक पप्पी होगी। वैसे ही एक्चुअली सब कुछ शुरुआत करना है। किड्स की सेटल होने के लिए बात 3 शहरों का नाम लिया, तो उसमें नागपुर नहीं है? हाँ, तो पप्पी होने के बाद एक बच्चा भी चाहिए डेफिनेटली। वो पूछ रहे हैं नागपुर। नागपुर क्यों नहीं? अगर 3 शहर आपने सेटल होने के लिए चुने हैं, मुंबई, पुणे या कोलकाता, नागपुर में कुछ दिक्कत आई है? नागपुर में कोई दिक्कत नहीं है, नागपुर में रह सकते हैं, पर हम दोनों का यही इच्छा है कि पुणे, मुंबई या कोलकाता में शिफ्ट होने।